ये हम चलने लगे। और असल मुला जी अस्सलाम वालेकुम, ये आकिब भाई ने हमारी गाड़ी स्टार्ट कर दी है और ये मैंने गेट खोला और ये हम घुस रहे हैं कैबिन के अंदर। तो मुलाकात वीडियो में होती रहेगी। और भाई आकिब भाई अब बताइए कितना समय लगेगा हमें पहुंचने में? हमें अभी लगेंगे लगभग 4 दिन के आसपास। 4 दिन के आसपास? 4 से 5 दिन लगेंगे। और हम स्टॉप कहाँ कहाँ लेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे? हम लेंगे फरीदपुर, गोरखपुर और अयोध्या। अयोध्या और उसके बाद? उसके बाद मुजफ्फरपुर शकरी। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये देखिए गाइस हमारी अच्छा सिलीगुड़ी, असम बॉर्डर। ये देखिए ये हमारा कैबिन है, ये हमारा सामान रखा हुआ है सारा, ये हमारा बैग जो है वो उल्टा रख दिया है। और ये हमारी गाड़ी चलना चालू हो गई है और ये हम निकल चुके हैं रामपुर से। इस टाइम हम रामपुर में हैं क्योंकि आकिब भाई और मैं रामपुर के ही रहने वाले हैं, हम रामपुर ही रहते हैं। और ये हम निकल चुके हैं और ये हम आ चुके हैं शराब फैक्ट्री। चलिए चलते हैं, मिलते रहेंगे वीडियो में। और ये तो डेली ब्लॉग पड़ेगा, 15 दिन का टूर है, 15 दिन डेली एक वीडियो पड़ेगी। आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। क्योंकि इसके अंदर हम दिखाएंगे कुछ ऐसी बातें जो ट्रक ड्राइवर हमारे भाई होते हैं जो किसी गलत जगह रुक जाते हैं ढाबे पर खाना खाने के लिए और वहाँ पर उनके साथ सीन हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाया जा रहा है ताकि ये वीडियो जो ट्रक ड्राइवर देखें, जो भाई हमारे ट्रक ड्राइवर हैं जो ये वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद अगर वो इस रूट पर चलते हैं या इस वाली लाइन पर चलते हैं जहाँ जहाँ हम रुकेंगे, जहाँ जहाँ हम स्टे लेंगे, वहाँ वहाँ की भी वीडियो पड़ेगी और हर एक चीज़ की मतलब वीडियो पड़ती रहेगी। तो देखते रहिए, ये हम चलने लगे हैं और ये हम अब एंट्री ले रहे हैं बरेली बाईपास की तरफ। ये आ चुके हैं हम शहजाद नगर के पुल पर। वैसे आके भाई डीजल तो अभी और पड़वाएंगे ना, टैंक फुल होगा। हमारी गाड़ी में डीज़ल भी ख़त्म हो चुका था तो हम बाहर से डीज़ल लेकर आए, फिर डीज़ल डाला क्योंकि वो पता नहीं चला कि डीज़ल उसके अंदर है या नहीं है, उसमें थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा पाए। तो अभी हमने देखा तो उसके अंदर डीज़ल ख़त्म हो चुका था, फिर हमने बाहर से डीज़ल लिया और डीज़ल लेने के बाद डीज़ल डाला है गाड़ी के अंदर। अब डीज़ल डालने के बाद अब हम चल चुके हैं। तो मिलते रहेंगे गाइस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा।